खत्म हुआ इंतजार, आ गया है मंगलवार, और हर मंगलवार को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक नया वीडियो। तो आइए देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने घर की पतली पतली संकरी, या इंग्लिश में कहें तो नैरो स्पेस का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके अपने घर को मोर कंफर्टेबल, मोर स्पेशियस और मोर फंक्शनल कैसे बना सकते हैं। आखिर खड़ा पड़ता है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो आइए बनाते हैं थोड़ी और जगह और करते हैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व। गणपति जी का नाम लेकर शुरू करते हैं एंट्रेंस डोर से। सेफ्टी डोर और मेन डोर के बीच यहाँ कुछ स्पेस रह जाता है, तो जगह का पूरा यूटिलाइज करते हुए मैंने यहाँ पर दो वेलकमिंग डॉल लगाई है। आखिर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यहाँ टीवी टेबल के पीछे मैंने रखी है एक रोड, आप समझ ही गए होंगे, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। सस्ती च्युइंगम और घटिया लोग शुरू शुरू में बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। मेरी टीवी टेबल के नीचे थोड़ी सी स्पेस है, तो यहाँ पर मैं रखती हूँ वेट मशीन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें मोटापन नहीं चाहिए तो ये मशीन हर घर में होनी ही चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैंने ये एक्यूप्रेशर मशीन भी रखी है, आखिर स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस तरह टीवी के नीचे की नैरो स्पेस का पूरा यूज़ करने की मैंने कोशिश की है। नैरो स्पेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो ये स्पेस आउट ऑफ साइट होती है, और दूसरा ये एरिया हमेशा डार्क होता है, तो बस इसी बात का हमें फायदा उठाना है अपने सामानों को अरेंज करने के लिए। रैक और चेयर के पास ही कुछ स्पेस खाली रह जाती है, तो मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स को थोड़ा सा कवर अप किया और तैयार कर लिया योगा मैट रखने के लिए एक आशियाना। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यहीं पर सुबह बाबा रामदेव के साथ योग करते हैं, इसलिए योगा मैट मैं यहीं पर रख दी हूँ। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि चीज़ों को किसी भी ऑर्गेनाइजर में अरेंज करके रखने पर घर हमेशा व्यवस्थित और सुंदर दिखता है। नैरो स्पेस का यूज़ करते हुए ही मैं अपना ट्राइपॉड भी यहीं सोफे के पीछे रख लेती हूँ। इसी तरह आप भी एक्स्ट्रा पेंटिंग्स, ब्लैक बोर्ड, कैरम बोर्ड आदि सामानों को आप भी सोफे के पीछे पैरेलल रख सकते हैं। यहाँ ये सेफ भी रहती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। स्पेस क्रंच है तो हमेशा वाइट और ट्रांसपेरेंट चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इससे घर खुला खुला और बड़ा नज़र आता है। कि ये बॉक्स भी मैंने घर पर ही तैयार किया है और इस पर वाइट कलर का स्टिकर लगाया है, इसे आप टांग भी सकती हैं। मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा काम यहीं डाइनिंग टेबल पर करती हूँ, तो टीवी टेबल और डाइनिंग टेबल के बीच में थोड़ा सा नैरो स्पेस है, तो बस यहीं पर मैं अपने सारे क्राफ्ट पेपर वगैरह रख देती हूँ। अब आ जाते हैं किचन में। देखिए पुराने जींस से मैंने ये स्लिम ट्रिम सा होल्डर बनाया है। फॉइल पेपर, क्लिंग पेपर, फूड रैपिंग पेपर, जितने भी इस तरीके के सामान हैं वे इस पाउच की वजह से इस पतली सी जगह में ही फिट हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ शेल्फ के नीचे थोड़ी सी स्पेस थी, तो यहाँ पर मैंने हुक्स लगवा कर इस जगह का पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश की है। एक्चुअली हर घर में छोटी छोटी सी नैरो स्पेस होती ही है, बस ज़रूरत है उसका सही तरीके से यूज़ करने की। इस तरीके की फोर टायर शेल्फ तो स्पेशली नैरो स्पेस को यूज़ करने के लिए ही डिज़ाइन की जाती है, तो इनका आप अपने घर में ज़रूर से यूज़ कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को अगर हम इस ठीक तरीके से प्रेजेंट करें तो क्लटर कम और होम मैनेजमेंट ज़्यादा नज़र आता है। जैसे चीज़ों को आप इस तरीके से हाइड करके भी विजुअल क्लटर से बच सकती हैं। वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम शिकायत कम और ईश्वर का शुक्राना ज़्यादा करें, पॉजिटिव सोचें और कम जगह का सही मैनेजमेंट कर सकें। पौधे ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। तो देखिए इस नैरो स्पेस का पूरा यूटिलाइज करते हुए मैंने एक किचन गार्डन बना लिया है।
हाँ, पर मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकती हैं। जैसे फ्रिज के अंदर भी आप स्टिकी हुक या सक्शन कप लगाकर नैरो स्पेस का यूज कर सकती हैं। इसी तरह फ्रिज के पास पतली सी स्पेस को मैंने हुक्स लगवाकर पूरा यूज करने की कोशिश की है। कितनी भी बड़ी हो, हमें हमेशा छोटी ही पड़ती है, तो छोटे छोटे निकनेक आइटम्स को रखने के लिए आप टू वे टेप की मदद से एक्स्ट्रा स्टोरेज अपनी किचन ट्रॉली के अंदर ही क्रिएट कर सकती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से किचन ट्रॉली का कैसे मैक्सिमाइज यूज हम कर सकते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप जरूर से देखिएगा। चीज़ों को अरेंज करते वक्त मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि चीज़ें या तो आई लेवल के ऊपर हो या नीचे, इससे घर हमेशा बड़ा और व्यवस्थित दिखता है। जैसे ड्रेसिंग के नीचे यहाँ थोड़ी सी स्पेस थी, तो मैंने यहाँ पर अपनी सिलाई मशीन रख दी है। क्या हम महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या ये भी रहती है कि वार्डरोब हमेशा छोटी पड़ती है, तो इसके लिए आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसी तरह हैंगर्स के पीछे एक स्टिकी हुक लगवाकर पतली पतली जगह को भी आप पूरा यूज कर सकती हैं। एक्चुअली स्पेस तो होता है, बस जरूरत है उसे ढूंढने की, और अगर नहीं है तो हुक्स या ऑर्गेनाइजर्स की मदद से हम एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे दरवाजे के पीछे मैंने पूरी जगह को यूटिलाइज करने की कोशिश की है, स्पेस वही है पर यूटिलाइज पूरा ऊपर से नीचे तक। इसी तरह कपड़ों को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम हैंगर्स का यूज करके कम में ही ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं, और वीडियो में दिखाए अनुसार टू लेयर क्रिएट करके हम बहुत सारे कपड़े आसानी से हैंग कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर गौर फरमाइए, मेरे पास कोई बेड साइड टेबल नहीं है, तो इस छोटी सी नैरो स्पेस में ही मैं अपनी नाइट क्रीम लोशन वगैरह रख लेती हूँ। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक इसी तरह नैरो स्पेस का यूज करके आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती हैं। बच्चों को भी नाराज नहीं किया जा सकता, तो उनके बनाए हुए आर्ट इफेक्ट्स को आप ऐसे सजा सकती हैं, ना कोई ड्रिल और ना ही कोई झंझट। आइए आगे बढ़ते हैं और बाथरूम को भी देख लेते हैं। जब घर में हर एज ग्रुप के मेंबर हों तो स्पेस की भी हमें ज़्यादा जरूरत होती है। देखिए मिरर स्टोरेज के अलावा भी मैंने दो हैंगिंग बास्केट का यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है। इसी तरह वॉश बेसिन के नीचे भी क्लीनिंग ब्रशेस को रखा है। साइड में जो विंडो है वो तो मेरी फुली लोडेड है। देखिए इस तरीके से पतली पतली जगह हमारा कितना सारा सामान अरेंज कर देती है। बस जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है उसे आप वहीं रखिए, इससे काम तो आसान होगा ही, साथ में घूमने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है वो सामान अरेंज करने में जो डेली रूटीन में हमारे कुछ काम नहीं आते, तो ऐसे सामानों को मैं अपने वॉशिंग एरिया कह लीजिए या ड्राई बालकनी में अरेंज कर रखती हूँ। एक्चुअली ये एरिया बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए कपड़े सुखाने की रोड के ऊपर ही या यू हुक्स का यूज़ करके एक बड़े डिब्बे के अंदर मैं सामान रखती हूँ। यहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन तो रहती ही है, साथ ही न्यूज़पेपर, एक्स्ट्रा पॉलीथीन, खाली डिब्बे, डिस्पोजल, आर्ट और क्राफ्ट में काम आने वाले सामान, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा है सब कुछ यहीं पर रखती हूँ। इस तरह छोटे से अपने घर को मैंने फंक्शनल बनाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। थैंक यू।